अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की न्यू लेक्चर सीरीज में अगेन आपको खुश आमदीद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर रिक्रूटमेंट क्या होती है और इसमें क्या सारा तरीकाकार होता है, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अंडर दी एचआर, जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर जो चार निज़ाम हैं या सिस्टम्स हैं या चार प्रोसेस हैं, ठीक है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ होते हैं, जिनमें पहला जो प्रोसेस है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और दूसरा इसके बारे में बाद में हम पढ़ते हैं और पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा। तो थोड़ा सा दूसरा जो निज़ाम है या प्रोसेस है वो है एम्प्लाई रेमोरेशन या पेरोल मैनेजमेंट या सैलरी मैनेजमेंट या कंपनसेशन मैनेजमेंट भी इसे कहते हैं। और यानी कि जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे यूनिलीवर है, कोलगेट है, जैसे FBR है, तो 21,000 इसके एम्प्लाईज हैं, उनकी सैलरीज का पूरा हिसाब किताब रखना, किस एम्प्लाईज को कितनी सैलरी मिलनी है, छुट्टियां कितनी हैं, कितनों ने जो है वो विदाउट पे छुट्टियां ली हुई हैं, विद पे किन्होंने ली हुई हैं, वो इटसेल्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी का उनकी जो रेमोरेशन है पूरा उसका निज़ाम होता है बहुत बड़ा। तो अंडर दी HRM ये परफॉर्म किया जाता है पूरा निज़ाम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम या सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम इसे भी कह सकते हैं, या एम्प्लाई रेमोरेशन। तो इसे आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी पूरा निज़ाम हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये निज़ाम भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि बहुत बड़ी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटेल है, डेल है, HP है, गूगल है, तो एम्प्लाईज परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अवेल्युएट कैसे करना है, एवेल्युएशन के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ठीक है, तरीका कार क्या होगा परफॉर्मेंस को मेजर करने का, परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो उन्हें प्रमोट कैसे किया जाएगा या डीमोट कैसे किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस को मेजर करना, एवेल्युएट करना, उसके स्टैंडर्ड सेट करना, कौन मेजर करेगा, ये भी एक पूरा का पूरा सिस्टम प्रोसेस या निज़ाम होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ पे लागू होता है वो निज़ाम। उस सिस्टम के जरिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम इम्प्लाईज की परफॉर्मेंस को जज कर पाते हैं कलेक्टिवली सारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे और इस तरह इम्प्लाई रिलेशन भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो सब तो अंड ये आपने सिर्फ याद रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर टोटल चार प्रोसेसेस हैं। द फर्स्ट इज HR प्लानिंग, सेकेंड इज एम्प्लॉय रेमोरेशन या पेरोल मैनेजमेंट या फिर कंपनसेशन मैनेजमेंट इसे कह सकते हैं, तीसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड चौथा एम्प्लॉयज रिलेशन। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इन्हें कवर करेंगे। तो पहले आ जाते हैं, ये इटसेल्फ एक पूरे के पूरे निज़ाम है, पूरे के पूरे जो है वो सिस्टम्स हैं या प्रोसेसेस हैं इटसेल्फ। इनके अंडर जो है, इनके अंडर फिर आगे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो आपने ये HRM के चार प्रोसेसेस, चार सिस्टम्स जो है वो याद रखने हैं, इन्हें नोट डाउन कर लेना है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहला इसमें जो प्रोसेस है या सिस्टम है वो HR प्लानिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमने पिछली वीडियो में तफसील में देखा कि HR प्लानिंग क्या होती है, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के पास आज जितनी वर्कफोर्स है, मतलब आज जितने उसके पास लोग काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में उसका काम कितना बढ़ेगा, जब काम बढ़ेगा उसे कितने नई वर्कफोर्स की, कितने नए इम्प्लाईज की ज़रूरत होगी, ठीक है, काम के हिसाब से कितने लोगों की उसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत होगी काम के लिए, तो वो हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर की जो नीड्स हैं उन्हें देखते हुए असेस कर, अंदाज़ा लगाने की हम कोशिश करते हैं कि हमारी करंट इम्प्लाईज इतने हैं और फ्यूचर में हमारी इतनी इम्प्लाईज की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जिन्हें नए नए लोगों को हमें लाना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, नई हायरिंग हमें करनी पड़ सकती है, हमारी फ्यूचर नीड्स कितनी हैं। तो ये सब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में देखते हैं और एनालाइज करते हैं, और पिछली वीडियो में आपको इसकी HRP की तफसील पढ़े सारी मिलेगी पढ़ने को। अच्छा, अब हमने ये तो तय कर लिया, ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि फ्यूचर में हमें इतने इम्प्लाईज की ज़रूरत है, ठीक है, हमें इतने नए लोग इन करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके आगे क्या स्टेप्स होंगे, उसका क्या आगे तरीकाकार होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो पहला स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट। हम अब तय कर चुके हैं कि नए लोगों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, या फ्यू अब ज़रूरत है या फ्यूचर में ज़रूरत है, तो अब उन्हें लेके कैसे आना है। तो HR प्लानिंग के फर्दर आगे कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम जो है वो, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, सेकंड इज कॉल्ड सिलेक्शन, थर्ड इज हायरिंग एंड फोर्थ इज ट्रेनिंग।
तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में रिक्रूटमेंट के बारे में, वो क्या होती है। तो रिक्रूटमेंट का मकसद होता है कि जो अच्छे एप्लीकेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें बुलाया जा सके कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करें। तो जो FPSC की दो रिकमेंडेड बुक्स हैं इसी सिलेबस में, तो उसमें पूरे का पूरे चैप्टर है रिक्रूटमेंट के ऊपर, चैप्टर नंबर 15। और दूसरी जो बुक है FPSC की, उसमें भी ये पूरा चैप्टर है, आप जाके देख सकते हैं, PDF पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन पेजेस पे ये जो पेज नंबर मेंशन है, आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन इन बुक्स में दी हुई है कि रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स दोज प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज। रिक्रूटमेंट उन प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज या को कहा जाता है जिनमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद होता है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके, ऐसे पोटेंशियल लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। रिक्रूटमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी विलिंगनेस शो करें, हमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंटरेस्ट जो है वो थ्रू एप्लीकेशन वो शो करें। तो रिक्रूटमेंट की एक दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, वो कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ए वैकेंसी। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी खाली होती है, मतलब कोई सीट वैकेंट होती है, तो जो उसमें पहला स्टेप होता है या प्रोसेस होता है उस वैकेंसी को फिल करने का, वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। रिक्रूटमेंट इट इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ वैकेंसी। रिक्रूटमेंट में हम उस वैकेंसी को एग्जामाइन करते हैं, उसे जांचते हैं, उसे जानते हैं के, और उसके बाद उन सोर्सेज को कंसीडर करते हैं कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें कौन से और कहाँ कहाँ से जो है वो सूटेबल कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, और फिर उन कैंडिडेट से हम जो है वो राबता बनाते हैं, और उसके बाद उनकी तरफ से जो है वो अगर वो अट्रैक्ट हो पाते हैं तो उनसे जो है वो विलिंगनेस उनकी लेते हैं, और वो अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर जब हमने फैसला किया नए लोगों को भर्ती करने का, तो जो पहला स्टेप आएगा एक खाली वैकेंसी के लिए या एक फ्यूचर की वैकेंसी के लिए जिसे हमने फिल करना है, वो कहलाएगा रिक्रूटमेंट। ये थी इसकी डेफिनेशन जो FPSC की दोनों रिकमेंडेड बुक्स में दी गई है। तो हम डिवाइड करते हैं रिक्रूटमेंट को बेसिकली तीन जो है वो पार्ट्स में, ठीक है। आपकी आसानी के लिए आप इसे पेपर में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला जो पार्ट है कि व्हाट टू हायर, सेकेंड है वेन टू हायर, एंड थर्ड इज हाउ टू हायर। तो सबसे आ जाते हैं व्हाट टू हायर, कि हमने जो है क्या हायर करना है। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर ए जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको जब भी किसी नए कैंडिडेट को आपने हायर करना है या वैकेंसी को फिल करना है, तो आपने सबसे पहले पेपर के ऊपर एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है। जॉब डिस्क्रिप्शन को उर्दू में कह सकते हैं एक काम की तफसील बनानी है, ताकि उससे इजीली अंडरस्टैंड हो सके ये काम किस नोयत का है, क्या काम है, मतलब जॉब किस नोयत की है, सॉरी, किस तरह इस जॉब क्या जो है वो टास्क क्या है, तमाम तर जो हमें डिटेल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें समझ आ जानी चाहिए, यानी वो जो जॉब के तमाम चीजें हैं वो डिस्क्राइब कर दे स्टेटमेंट। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या काम की तफसील की स्टेटमेंट। ये जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आपने प्रीपेयर करनी है, और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो फायदा मंद होती है एक्सटर्नल एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए, कि वो इजीली उसे पढ़कर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जॉब के बारे में तफसीलन जान लेते हैं। और जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कर रहे होते हैं, तो वो भी उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जॉब किस तरह की है, क्या इसमें जो है वो काम की तफसील है, क्या क्या चीजें इसमें करनी होंगी इस जॉब में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो आप फॉर एग्जांपल आपने फैसला कर लिया कि इम्प्लाई आपने हायर करना है, रिक्रूटमेंट का स्टेप स्टार्ट हो गया। रिक्रूटमेंट को हमने डिवाइड किया तीन स्टेप्स में फर्दर, मतलब द फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट टू हायर। व्हाट टू हायर में हम प्रीपेयर सबसे पहले करने वाले हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन सी बहुत अहम चीजें हैं जो लाजमी होनी चाहिए, उनके बगैर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अधूरी है, बेकार है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए, अब हमने उसे प्रीपेयर करना स्टार्ट कर दिया, वो है जॉब इंफॉर्मेशन।
कि जॉब की तफसील होनी चाहिए कि ये किस तरह की जॉब है, इसमें क्या क्या है, तमाम तफसील जॉब के बारे में होनी चाहिए। जॉब का टाइटल होना चाहिए, जैसे आपकी एड आई थी तो उसमें आपका टाइटल है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ जैसे ब्रांच मैनेजर एक्स वाई जेड बैंक, उसके बाद रीजनल मैनेजर, इस तरह जॉब टाइटल होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद सैलरी कितनी होगी, वैसे लिखते तो नहीं है ये अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सम टाइम आप इसे लिख भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि इस जॉब को लेके सैलरी कितनी होगी, या इंडस्ट्री या मार्केट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपकी सैलरी होगी, तो सैलरी की भी डिटेल भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। और इसमें रिपोर्टिंग मैनेजर मतलब आप किसको रिपोर्ट करेंगे, मतलब आपकी हायरार्की क्या होगी, हायरार्की मीन्स कि आपके ऊपर जो है वो कौन से हायर ऑफिसर्स होंगे, कौन से हायर जो है वो स्टेक होल्डर होंगे या ऑफिसर्स होंगे जिन्हें आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद टाइमिंग क्या होगी जॉब की, और किस डिपार्टमेंट में जॉब है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लाई हायरार्की क्या होगी, मतलब हायरार्की मीन्स कि आप डाउन दी लाइन किस नंबर पे आएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लाई। जैसे इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर के ऊपर एसी है, और उसके बाद फर्दर चेयरमैन एफबीआर तक जाता है, तो आपकी हायरार्की क्या होगी वो लिखी होनी चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन में। क्वालिफिकेशन और स्किल्स कौन सी रिक्वायर है इस जॉब के लिए, मतलब आपके पास जब जॉब डिस्क्रिप्शन हम बना रहे हैं तो कैंडिडेट्स के पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए इस जॉब को लेकर। जैसे इंस्पेक्टर आईआर की जॉब आई तो उसमें उन्होंने लिखा कि उसके पास टेट की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए एडिशनली, वो कह सकते हैं इस तरह से। तो की परफॉर्मेंस एरियाज क्या होंगे, किन की परफॉर्मेंस एरियाज जो है वो उसके ऊपर एम्प्लाई को काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, या किन की परफॉर्मेंस एरियाज की जो एक्सपर्टीज है वो ऑलरेडी एम्प्लाई के पास होनी चाहिए, मतलब। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, एक काम की तफसील आप बनाते हैं एम्प्लाईज को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें लाजमन होने चाहिए ताकि इजीली एम्प्लाई को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके जॉब के बारे में। तो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली, तो ये आ जाएगा व्हाट टू हायर में। पेपर में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट में तीन चीज़ें होती हैं, व्हाट टू हायर, वेन टू हायर एंड हाउ टू हायर। तो व्हाट टू हायर में आप लिख सकते हैं कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आगे सब ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक जो जॉब है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, कि एक जो ऑलरेडी जॉब है तो उसमें उसकी जो काम है एक, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट तय कैसे होंगी, मतलब वो जॉब क्या क्या काम सर अंजाम देगी, तो वो चीज कैसे हम तय होगी। जैसे इंस्पेक्टर आईआर की जॉब है तो इंस्पेक्टर आईआर ऑर्गेनाइजेशन में क्या परफॉर्म करेगा, मतलब क्या काम उसका करेगा, क्या उसका मकसद है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी टास्क क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है इंस्पेक्टर की, ये हमें कैसे पता चलेगा। या असिस्टेंट कमिश्नर है तो उसकी टास्क ड्यूटीज क्या है, चेयरमैन एफबीआर की टास्क ड्यूटीज क्या है, ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस एचआरएम में परफॉर्म किया जाता है, या एक जो है वो एक तरीका है, या एक मेथड इसे कह सकते हैं, बेहतर मेथड होगा, एक मेथड है जिसे कहते हैं जॉब एनालिसिस, ठीक है। जैसे हमने जो कोई हमने माली जो है वो तजिया करना हो तो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में, कि अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी में हमें ये चीज़ें रिक्वायर है, और सम टाइम हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है इस तरह से। तो इसी तरह हम जॉब के बारे में भी एनालिसिस करते हैं, इस मेथड को कहते हैं जॉब एनालिसिस एचआरएम में, जिसमें हम जो जॉब है यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच जॉब इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट, जॉब जो है उसे छोटे यूनिट्स में, टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे इस जॉब के टास्क क्या होंगे, इसकी सरगर्मियां क्या होंगी, और इसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी इस जॉब की। जैसे इंस्पेक्टर आईआर की जॉब है, हम उसके टास्क, उसकी सरगर्मियां और उसकी जिम्मेदारियां उन सबको छोटे टुकड़ों में बांट कर एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, और डिस्क्राइब करने और फिर हम आगे देखते हैं कि इन टास्क और एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए
यानी कि एक जॉब है इंस्पेक्टर आईआर की, उसने फील्ड में जाना है, उसने फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करनी है, उसने फील्ड में जाके सर्वे करने हैं, उसने फिर या उसने ऑफिस में बैठ के ऑडिट करना है, उसने ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स को चेक करना है कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, उसे कंप्यूटर की स्किल चाहिए। तो हमने सारा ये देख लिया कि इस जॉब की इंस्पेक्टर आईआर की ये रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो सूटेबल कैंडिडेट्स होगा इस जॉब को फुलफिलमेंट के लिए, उसमें क्या वो स्किल्स और एबिलिटीज जो है वो उनकी वो होनी चाहिए लाजमन, ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स एबिलिटीज होनी चाहिए उस कैंडिडेट के अंदर, उस एप्लीकेंट के अंदर, जो इन टास्क एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सके, ठीक है, उसमें कौन कौन सी ऐसे स्किल्स और एबिलिटीज होनी चाहिए जिसे हमने हायर करना है। तो ये सारी दोनों चीजें जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, टास्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और जो कैंडिडेट को जिसको हायर करना है उसके अंदर क्या स्किल्स और जो है वो एबिलिटीज होनी चाहिए इस जॉब का वो बेहतर तरीके से निभा सके। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक मनसब है, अब प्राइम मिनिस्टर की जॉब है तो उसमें या एक वाइस चांसलर की जॉब है तो उसने पूरी यूनिवर्सिटी को चलाना है, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, टास्क हैं वाइस चांसलर की। तो एक ऐसे कैंडिडेट को हमने हायर करना है ना वाइस चांसलर के लिए कि जो उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर, मतलब उन एक्सपर्टीज को, उन स्किल्स को, ठीक है, उन कैपेबिलिटीज को अपने अंदर समोए हुए हो, उसका तजर्बा हो, उसका इलम हो, उसकी दानिशमंदी हो, उसकी तहकीक हो, यानी उसकी इतनी बड़ी प्रोफाइल हो तो यूनिवर्सिटी का फिर ही वो वाइस चांसलर बन सकता है ना। तो सेम इसी तरह जो है, अगर एक किसी आम अनपढ़ बंदे को वाइस चांसलर बना दे तो फिर वो कैसे निभाएगा। तो जॉब एनालिसिस में ये सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं, इनका तजिया किया जाता है कि इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह का कैंडिडेट्स के अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो ये जॉब एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है या फिर एक मेथड है उसकी तफसीलात जानने का। अच्छा, दूसरा, जॉब एनालिसिस के जरिए हमें पता चल जाता है और फिर हम जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद व्हेन टू हायर, दूसरा स्टेप आता है कि हमने हायरिंग कब करनी है, मतलब क्या हमें कैंडिडेट्स की जरूरत भी है, या हमें कैंडिडेट्स चाहिए भी इस टाइम या नहीं चाहिए, या फ्यूचर में हमें चाहिए, आज हमें चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, हमें फ्यूचर में चाहिए, कब हमें जो है वो कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो वो हम एनालिसिस करते हैं, वो इस चीज में व्हेन टू हायर इस स्टेप में आ जाता है, हमने हायरिंग करनी कब है, जब कैंडिडेट्स चाहिए होंगे 6 महीने बाद फॉर एग्जांपल चाहिए तो हम 3 महीने पहले हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, 3 महीने में जो है वो कैंडिडेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एडवर्टीजमेंट्स लेकर आगे तक वो चीजें चलती रहेंगी और फिर जो है वो आ जाएंगे हमारे पास कैंडिडेट्स। तो व्हेन टू हायर में हम ये चीजें देखते हैं। तो ये हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें जो है वो कब लोगों की जरूरत है, मतलब नीड्स कब इम्प्लाईज नए हमें चाहिए होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें भी हम एक एनालिसिस करते हैं जिसे कहते हैं मैन पावर एनालिसिस। मैन पावर एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम करंट मैन पावर कितनी है, मतलब कितने इम्प्लाईज काम कर रहे हैं, और 6 महीने बाद उनमें से कितनों ने रिटायर हो जाना है, या अगले 1 साल में कितनों ने रिटायर हो जाना है, कितने एवरेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, कितने जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो मेडिकली अनफिट होके निकल चुके हैं, या फिर जो है वो कितना हमारा काम बढ़ रहा है और 6 महीने बाद या 12 महीने बाद हमारा काम डबल हो जाना है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो तब हमें डबल जो है वो इतने एक्स्ट्रा एम्प्लाईज की, कैंडिडेट्स की जरूरत होगी, मतलब नए लोगों की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हम मैन पावर एनालिसिस में करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी नीड्स कब कब हैं, कब कब हमें लोग चाहिए, ठीक है। अगर हमें उस मैन पावर एनालिसिस से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें इस टाइम पे नए एम्प्लाईज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर हम जो है वो उस टाइम से कुछ महीने पहले भर्ती का अमल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं रिक्रूटमेंट का। यहाँ पे आप तफसील पढ़ सकते हैं कि अच्छा, और दूसरा यह है कि अगर ऑलरेडी आपके पास एक डिपार्टमेंट में इम्प्लाईज काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे मतलब ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट में इम्प्लाई काम कर रहे हो और वहाँ उस डिपार्टमेंट में काम कम हो, ठीक है, वो इम्प्लाई काम करके जल्दी फारग हो जाते हो, तो फिर आप उन इम्प्लाईज को जो है वो यूज कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ पे काम
ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो बहुत कम है, मैन पावर जो है उसकी कमी है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें काम कम है और मैन पावर ज्यादा भर्ती की हुई है, तो फिर आप जो है वो यहाँ से इम्प्लाईज लेके वहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, या इन्हें कह सकते हैं कि अपना काम पूरा करने के बाद 4 घंटे आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके काम करेंगे एडिशनली। तो इस तरह इन इम्प्लाई इस जो है अमल को कहते हैं क्रॉस फंक्शनल, यानी आपने नए कैंडिडेट्स हायर करने के बजाय जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स थे जो वेले बैठे रहते थे उन्हें आपने दूसरे डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर दिया, वो वहां जाके भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल, आपने इम्प्लाई जो नीड थी नए एम्प्लाइज की वो ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लाइज से ही पूरी कर ली, और ये उस टाइम ही हो सकता है क्रॉस फंक्शनल जब आपके पास उस फील्ड के एक्सपर्ट जो है वो लोग मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें लोग कम हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा हैं, और काम भी वो जल्दी खत्म कर लेते हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को कहा जाता है कि आपका काम जब मुकम्मल हो जाता है तो आप रिमेनिंग टाइम में जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाके वर्क करें एडिशनली। लेकिन अगर उन्हें मार्केटिंग की स्किल ही नहीं आती, उन्हें सेलिंग का पता ही नहीं है, तो फिर इट्स मीन के वो वहाँ के वो उनकी एनर्जी जो है वो बेकार जाएंगी। तो क्रॉस फंक्शनल उस टाइम ही हो सकता है जब उनके पास वो रेलिवेंट स्किल भी होनी हो एम्प्लॉयज की, तभी उन्हें शिफ्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, तीसरा इसमें स्टेप आ जाता है रिक्रूटमेंट में, हाउ टू हायर, ठीक है। हमने अब देख लिया व्हाट टू हायर, व्हेन टू हायर, अब तीसरा आ जाता है हाउ टू हायर, हमने हायर उन्हें जो है वो करना किस तरह से है, मतलब उन तक अपना जो पैगाम है वो पहुंचाना किस तरह से है कैंडिडेट्स तक। हमने ठीक है हमने तय कर लिया कि हमें इतने लोग चाहिए, ठीक है। अब हमने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी बना ली, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद हमने ये देख लिया कि वेन वेन टू हायर मतलब फलां 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमें ये चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हाउ टू हायर, अब जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन उन तक हम रीच कैसे करेंगे, उन तक जो है वो हम कनेक्शन कैसे बनाएंगे, उन्हें अपना जो पैगाम है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है वो कैसे बताएंगे। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जो सबसे मशहूर जमाना तरीका है वो है आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दें, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो है कि आपकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे FBR की वेबसाइट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जॉब की एडवर्टीजमेंट दे दें। या तीसरा तरीका का आ रही है कि जो डिफरेंट जो है लोकल जॉब्स वेबसाइट या नेशनल इंटरनेशनल जॉब्स वेबसाइट हैं बहुत सारी, जैसे rosy.pk है, naukri.com है, या फिर लिंक्डइन है, तो वहां पे जाके आप जॉब जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अब olx.com.pk भी जो है वहाँ भी जॉब्स का सेक्शन आया हुआ है, वहाँ भी लोग अक्सर जॉब्स पोस्ट करते हैं। तो आप तीनों चीजें भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, जॉब वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, और न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप हाउ टू हायर क्या आप करना चाहते हैं, कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। अच्छा, जो अखबार की एडवर्टीजमेंट होती है ना वो बहुत महंगी होती है, तो काफ़ी ये तरीका जो है वो कॉस्टली होता है, अखबार में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, पर वर्ड और पर लाइन चार्ज किया जाता है। तो ख़ास तौर पे जब आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट करें तो जो ये चीज़ें उसमें असेंशियल हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ें लाजमी मौजूद हो, जैसे कि नेम एंड ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एम्प्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन भर्ती कर रही है उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे FBR अगर ऐड देता है तो FBR का नाम होना चाहिए, वापडा ऐड देता है तो वापडा का नाम होना चाहिए, फिर जॉब के रोल क्या हैं और ड्यूटीज क्या हैं ये लाजमी होना चाहिए, क्या जॉब में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी ये तफसील होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे पॉइंट्स होने चाहिए, की पॉइंट्स ऑफ पर्सोनल स्पेसिफिकेशन और कंपिटेंसी, क्या क्या कंपिटेंसीज एम्प्लाइज के पास होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है इस तरह से, या और कोई टेक्निकल स्किल्स हैं वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। जैसे वारदा की जॉब्स आती हैं तो उसमें डिप्लोमे वाले होते हैं, या फिर IT की जॉब्स आती हैं तो उसमें कंप्यूटर स्किल्स का रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में बताया जाना चाहिए एडवर्टीजमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होगा, क्या ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी, ठीक
ठीक है, या टेम्परेरी होगी या डेली बेसिस पे होगी। अक्सर आप देखते होंगे एड्स में लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या परमानेंट है ईटीसी। तो वो कहते हैं ये सारी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये जॉब एडवर्टीजमेंट में लाजमी होनी चाहिए जब अखबार में आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, या वैसे भी इंटरनेट पे भी जब एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तब भी ये चीज़ें आपको ज़रूर उसमें देनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपकी अखबार में ऐड आई थी, देखें तो जब हमारे टाइम पे ऐड आई थी तो उस टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी थी, आई थिंक एफटीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दी थी, तो अखबार में डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी। तो अखबार में सिर्फ ये दिया था कि ये कौन सा देखें डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू, और इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री चाहिए इन सब्जेक्ट के साथ, एज इतनी होनी चाहिए, पंजाब की इतनी सीट्स हैं, फिर परमानेंट हैं इस तरह से, क्लोजिंग डेट ये है। तो जब उन्होंने वेबसाइट पे पब्लिश किया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये है एफपीएससी ने, कि रिकवरी आउट ऑफ एरियर्स या करंट डिमांड्स ये आपके यानी टास्क होंगे एफबीआर में, इंक्वायरीज वगैरह कंडक्ट करवाना, रिपोर्ट्स भेजना, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्वेज वगैरह करना, और डिमांड रजिस्टर्स को मेंटेन करना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है आईएआर की। तो आपको यहाँ से अंदाजा होता है कि ये आप काम सर अंजाम देंगे एफबीआर में जाके। अच्छा, और दूसरा हाउ टू हायर में जो दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं हायरिंग के, एक है इंटरनल सोर्स और एक है एक्सटर्नल सोर्स, तो इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं। इंटरनल सोर्स में ऑलरेडी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लाइज, उन्हीं में से हम लोगों को हायर कर सकते हैं, और क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं एम्प्लाइज उन्हें हम प्रमोट भी कर सकते हैं। अगर उन्हें जो छोटे एम्प्लाइज हैं उन्हें अगर हम प्रमोट कर देते हैं तो उनमें मोटिवेशन भी होगी, और उनमें कैपेबल ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तौर पे जानते हैं, बजाय कि नए एम्प्लाई को आप हायर करें। और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वो एक्सपेंसिव भी है थोड़ी और लंबा प्रोसेस है, जो इंटरनल एम्प्लाई है उसमें वहाँ से आप फौरी तौर पर कैंडिडेट को चुन सकते हैं, और जो प्रेजेंट एम्प्लाई है वो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो इतनी देर से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जब आप उसे प्रमोट कर लेंगे या उसे ही बड़ी पोस्ट के लिए हायर कर लेंगे, कि वो ज्यादा लंबे अरसे तक स्टे करेगा, बजाय जो नया एम्प्लाई आए और वो उसके चांसेस हैं ज्यादा कि वो छोड़ के जा सकता है। और इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है वो क्विकर है, चीपर है, और थोड़े टाइम में ये हो जाती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट दो सोर्सेज है यानी हाउ टू हायर के, द फर्स्ट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल में क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोई बड़ी सीट या वैकेंसी खाली होती है तो उन्हीं में से हम किसी जॉब को सॉरी उस किसी कैंडिडेट को, पर्सन को, उस न्यू वैकेंसी के लिए जो है वो भर्ती कर लेते हैं, उसे उस डेजिग्नेशन के लिए हायर कर लेते हैं। ये होगी इंटरनल रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ये होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से के बाहर से जो है वो नए लोगों को हायर करें। जैसे कि सबसे पहले इसमें आ जाए कुछ ही जो मेथड्स होते हैं ना एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होते हैं और सस्ते होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का इतना पैसा खर्च नहीं होता। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन किसी यूनिवर्सिटी में जाती है या किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके, कॉलेज के कैंपस में जाके, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एचआर की टीम बैठ जाती है, और वहीं से ऑन द स्पॉट जिन्होंने डिग्री मुकम्मल की होती है कैंडिडेट्स ने उन्हें जो है वही ऑन द स्पॉट हायर कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं। इस तरह जो है वो यूनिवर्सिटी को भी फायदा हो जाता है और उनके स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी फायदा हो जाता है कि उनके एक्सपेंसेस नहीं होते, और ये प्रोसेस क्विकली और जल्दी से सारा अंजाम हो जाता है। जैसे लम्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज आती हैं और वहाँ पे लोगों को ऑन द स्पॉट हायर कर लेती हैं, ऑन द डे ऑफ देयर डिग्री, जब उनकी डिग्री ख़त्म होती है, या जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं जॉब फेयर वगैरह डिफरेंट मुनक्किर करवाती हैं। अच्छा, और दूसरे कुछ रिक्रूटमेंट पोर्टल्स भी बने हुए हैं, जैसे रोजी डॉट पी के, लिंक्डइन जैसे है, तो यहाँ पे भी जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं जॉब को, जो अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स होंगे, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, तो वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोर्टल्स के थ्रू आपके पास। तो ये भी काफ़ी इजी वे है कि मतलब कैंडिडेट्स को जो है वो चुनने का, हायर करने का, ठीक है। और तीसरा जो तरीकाकार है
और आज के दौर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स को जो है वो यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए काफी ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आसानी होती है कि उसके कम पैसों में बजाय अखबारों के बहुत ज्यादा उसे कैंडिडेट्स तक रीच मिल जाती है। और उसके बाद कुछ जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू भी होती है, जैसे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं या बॉडीज कह सकते हैं, जैसे PPSC है, FPSC है, तो वो हुकूमती जो इदारे हैं इन रिक्रूटमेंट जो है वो एजेंसीज को, बॉडीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करें। तो ये रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं और एक फाइनली सिलेक्ट करके तमाम मराहिल से गुजार के कैंडिडेट को जो है वो हवाले कर देते हैं उस मुतलका डिपार्टमेंट के या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके। और इस तरह प्राइवेट कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जैसे पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस या नेशनल टेस्टिंग सर्विस, तो ये भी कैंडिडेट्स को जो है वो हायर का करती हैं, मतलब सॉरी उनके टेस्टिंग वगैरह करती हैं, उन्हें एवेल्युएट करती हैं, पूरा रिक्रूटमेंट का जो अमल है उसे सर अंजाम देती हैं, और उसके बाद जो फाइनलाइज कैंडिडेट होता है उसे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देती हैं कि ये पर्सन बेस्ट सूट करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो वैकेंट है पोजीशन उस पर ये बेहतर तरीके से काम सर अंजाम देगा। और इसके अलावा कुछ जॉब सेंटर्स भी होते हैं और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके पास एचआर, जो एचआर का सिस्टम कैसे काम करता है, कैंडिडेट्स को बेहतर और बेस्ट कैंडिडेट्स को कैसे हायर करना है, तो उसके पास वो एक्सपर्टीज ना हो, ठीक है, इसलिए वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद भी करना चाहती है रिक्रूटमेंट और लेकिन उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स भी हायर कर सकते हैं। वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट उन्हें हर स्टेप पे गाइड करेंगे कि ये हमने रिक्रूटमेंट जो है वो इस तरह से करनी है, इन इन स्टेप्स को पूरा करके हमने ये करनी है, तो वो काफी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हैं सारी चीजें जो एक्सटर्नल सोर्सेज में या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आ जाती हैं, जिनकी तफसील आप इस स्लाइड में जो है वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस है हेड हंटिंग, एक तरीका कार है। अब जो बहुत बड़े इम्प्लाईज होते हैं, जैसे कि जैसे कोई हमने हायर करना है स्टेट बैंक का गवर्नर, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हायर करना है, या PSO का जो है वो जो भी है उसका चेयरमैन है वो हायर करना है हमने, PIA का जो है वो CEO हायर करना है, तो इस तरह क्या इनके लिए भी अखबार में ऐड दी जाएगी, वार्डा का चेयरमैन हायर करना है अखबार में ऐड दी जाएगी, फिर वो कैंडिडेट्स आएंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी, टेस्ट होगा ETC? नहीं, ऐसे ये अमल परफॉर्म नहीं होता जैसे HEC का चेयरमैन हायर करना हो। इसमें एक टेक्निक, एक तरीका का यूज होता है मेथड, जिसे हेड हंटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी जो पोजीशंस हैं जिनके मैंने आपको नाम गिनवाए, इन पोजीशंस के लिए जो है वो डिफरेंट जो इन एग्जेक्टिव पोजीशंस के लिए जो हेड हंटर्स हैं उन्हें टास्क दे दिया जाता है कि हमें मतलब इस पोजीशन के लिए इस कैपेबिलिटीज का सूटेबल कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो जो हेड हंटर होता है वो रिक्वेस्ट मिलने के बाद जब वो सर्च करता है डिफरेंट मतलब लोकेशंस पे, जैसे डिफरेंट जो बड़े बड़े फोरम्स हो गए, डिफरेंट बॉडीज होगी, डिफरेंट मेंबरशिप ग्रुप्स हो गए, तो वहाँ पे लुकआउट करता है कि वहाँ पे उसे उस तरह का कैंडिडेट मिल, जैसे फॉर एग्जांपल हुकूमत कहे कि हमें इस टाइम पाकिस्तान में सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस चाहिए, या इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो है वो मुशीर चाहिए इकोनॉमी के, क्या उसके लिए एडवर्टीजमेंट दी जाएगी अखबार में? नहीं, बल्कि उसके लिए हेड हंटर को रिक्वेस्ट करेगी हुकूमत कि आप हमें इकोनॉमिक जो है वो एडवाइजर्स दें। वो कैसे सर्च करेगा? जो बड़े बड़े इकोनॉमिक फोरम्स हैं पाकिस्तान के या दुनिया के, तो वहाँ पे जो है वो हेड हंटर देखेगा इन फोरम्स में कोई पाकिस्तानी मेंबर है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जैसे पाइड है थिंक टैंक इस्लामाबाद में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स, वहाँ पे कोई बड़ा बंदा है तो उसे उसके प्रोफाइल देखेगा, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वहाँ के, तो देखेगा वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं इस तरह से, और इस तरह बड़ी जो जो फोरम्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसका इंस्टीट्यूट है, उसके पूरी बॉडी है, मेंबरशिप है, वहाँ पे सर्च आउट करेगा, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जो मेंबरशिप्स में जो बड़े फोरम्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, ग्रुप्स में, तो हेड हंटर वहाँ पे जाके सर्च
लुक आउट सर्च आउट करेगा कि अगर उसे स्पेसिफिक सूटेबल कैंडिडेट मिल जाता है तो फिर वो हुकूमत को जो है वो भेज देगा कि ये कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है ऐसे इन एबिलिटीज के साथ। तो फिर हुकूमत जो है उसे कॉल कर सकती है या उसे रिक्वेस्ट भेज सकती है कि आप हमारे फलां इदारे को आके संभालें, तो यहाँ पे आप काम सर अंजाम दें। जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो बहुत बड़े हॉस्पिटल बनते हैं जैसे लाहौर में कार्डियोलॉजी वगैरह के, तो उसके जो चेयरमैन लगाया जाता है, तो फिर हुकूमत बाहर ले इस तरह जो मेड डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, मेडिकल रिसर्च की एसोसिएशन है दुनिया भर की, उसमें जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें हुकूमत बुलाती है और फिर वहाँ पे वो पोस्ट करती है उन लोग कैन लोगों को। तो ये जो बहुत एग्जैक्टिव पोजिशन होती है इन्हें फिल करने के लिए जो तरीका यूज होता है वो कहलाता है हेड हंटिंग। हेड हंटर जो है वो ये काम सर अंजाम देता है। अच्छा थोड़ा सा ये यहाँ पे एक हमारे पास इस बुक में दिया हुआ है कि पिछले 2017 में जो है वो जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो मेथड यूज हुआ है मोस्ट इफेक्टिव वो कौन सा मेथड रहा है। तो सबसे ज्यादा जो लिखा हुआ है कि दुनिया भर में 74% जो है रिक्रूटमेंट जो है वो कारपोरेट या ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट से ही हुई है। मतलब वो उन्होंने बजाय अखबार में या दूसरी चीजों पर इश्तहार देने के बजाय अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो की है, यानी एडवर्टीजमेंट की है वैकेंसी की, और वेबसाइट के थ्रू ही उन्होंने ये प्रोसेस पूरा किया है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रोफेशनल नेटवर्क जैसे लिंक्डइन हो गया, इससे भी यूज किया है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद फिर कमर्शियल जॉब बोर्ड बने हुए हैं डिफरेंट जैसे, तो उन्हें भी जैसे rosy.pk है पाकिस्तान में, तो उन्हें इसके बाद यूज किया है। तो इसके बाद फिर सोशल नेटवर्क्स आ जाते हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है रिक्रूटमेंट का तो आप यहाँ पे सिर्फ ये एक एक याद कर लें या दो याद कर लें कि 74% जो है वो जो रिक्रूटमेंट हुई है वो कॉर्पोरेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है, और वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे हैं। इससे उनके पैसे भी बच जाते हैं और वो इजीली जो है वो जैसे होंडा है पाकिस्तान में, टोयोटा है, पार्क सुजुकी है, मेजान बैंक्स हैं, बैंक्स हो गए, तो ये सारे अपने जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही अपनी जॉब्स वगैरह पोस्ट करते हैं। और फिर बाद में जो सेकंड नंबर पे है दुनिया भर में वो लिंक्डइन हर जगह प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क बन गया है। वहाँ पे आप किसी भी सूटेबल कैंडिडेट को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि रिक्रूटमेंट कहते किसे हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट टू हायर, हाउ टू हायर एंड व्हेन टू हायर एंड हाउ टू हायर, हमने ये सारी 3 स्टेप्स देखे। तो इसे इस तरह आप याद कर सकते हैं।